हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आइए आज आपका स्वागत करते हैं एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में। आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर के समरी को देखेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 में बहुत प्रोबेबल भी है। तो आप कहीं मत जाइएगा, बहुत ही आसान शब्दों में, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से हमने इसको समझाने का काम किया है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है उसके समरी की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, कहा जाता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन इम्पॉर्टेंट एसे रिटेन बाय महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है वह एक क्या है बाबू, एसे है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या बाबू, एक बहुत ही महत्वपूर्ण एसे है, बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। ऐसे मतलब क्या होता है बाबू, निबंध, बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है जो कि लिखी गई है महात्मा गांधी के द्वारा। किनके द्वारा लिखी गई है, महात्मा गांधी के द्वारा। तो यह भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, तो ऐसे है, किनके द्वारा लिखी गई है, तो महात्मा गांधी के द्वारा। एक बार फिर से देख लेते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन इम्पॉर्टेंट एसे रिटेन बाय महात्मा गांधी, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक महत्वपूर्ण एसे है जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। कहते हैं, इन दिस एसे, इस एसे में गांधी जी डिस्क्राइब्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इन दिस एसे, इस एसे में गांधी जी डिस्क्राइब्स, गांधी जी वर्णन करते हैं द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता के महत्व के बारे में। इस एसे में भारतीय सभ्यता का गुणगान किया गया है गांधी जी के द्वारा, उनके महत्व का वर्णन किया गया है। आगे है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अनुसार, गांधी जी के विचार से इंडियन सिविलाइजेशन इज इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है, बेजोर। इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है बाबू, बेजोर। कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अनुसार इंडियन सिविलाइजेशन इज इनक्रेडिबल, भारतीय सभ्यता बेजोड़ है एंड कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड, और इस सभ्यता को जो है वह पूरे विश्व में कहीं पराजित नहीं किया जा सकता है। इस सभ्यता का पूरे विश्व में कहीं जोड़ नहीं है, कहीं पे कोई इसकी सभ्यता को, इसके जो संस्कृति है उसको पछाड़ सकता है। यानी इसकी सभ्यता इतनी मजबूत है कि पूरे विश्व में कोई ऐसी सभ्यता नहीं है जो इसकी बराबरी कर पाए। आगे कहते हैं, टू हिज माइंड, गांधी जी के अनुसार, उनके बुद्धि विवेक के अनुसार, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू अ मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। कहते हैं कि गांधी जी के अनुसार जो है क्या है, सभ्यता जो है वह हम लोगों को कर्तव्य की राह दिखाने का काम करता है। टू हिज माइंड, गांधी जी के अनुसार, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता जो है वह एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा माध्यम है जो कि हम लोगों को या किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को कर्तव्य की राह, पाथ ऑफ ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य की राह दिखाने का काम करता है। कहते हैं, इट अपलिफ्ट्स आवर मोरल कैरेक्टर्स, या हमारे मोरल कैरेक्टर को क्या करता है, बढ़ावा देता है, या हमारे नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देता है। यानी भारतीय सभ्यता नैतिकता पर आधारित है। किस पर आधारित है बाबू, नैतिकता पर। मेनी सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड वेस्टेड बट इंडियन सिविलाइजेशन रिमेन्ड द सेम। कहते हैं कि पूरे विश्व में कई सारी ऐसी सभ्यताएं थी जो समाप्त हो गई, जो विलुप्त हो गई, लेकिन आज भी भारतीय सभ्यता जो है वह वही है जो पहले थी। यहाँ पे देखिए, मेनी सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड वेस्टेड, यानी विश्व की कई सभ्यताएं जो है वह समाप्त हो गई, बट इंडियन सिविलाइजेशन रिमेन्ड द सेम, लेकिन भारतीय सभ्यता आज भी वही रही, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इट हैज़ ग्लोरियस पास्ट। ग्लोरियस का मतलब क्या होता है बाबू, गौरवशाली। ग्लोरियस मतलब क्या होता है, गौरवशाली। इसका जो है एक गौरवशाली इतिहास रहा। गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द मोरल विंग, कि भारतीय सभ्यता जो है वह नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देता है, नैतिकता को बढ़ावा देता है, इंसान के अंतर्गत नैतिक गुणों को भरता है। बट द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपगेट्स इमोर्टलिटी, लेकिन पश्चिमी सभ्यता जो है अनैतिकता को बढ़ावा देती है, अनैतिकता का प्रचार प्रसार करती है। तो पश्चिमी सभ्यता जो है वह अनैतिकता को बढ़ावा देती है। आवर सिविलाइजेशन इज सुपीरियर टू वेस्टर्न सिविलाइजेशन बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड। कहते हैं गांधी जी कि हमारी जो सभ्यता है,
हमारी जो सभ्यता है वो सुपीरियर है, वो अच्छी है। किससे अच्छी है? सुपीरियर के साथ टू प्रीपोजिशन लगता है, ये याद रखना है। गांधी जी कहते हैं हमारी सभ्यता जो है वो अच्छी है, किससे? तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से अच्छी है। क्यों अच्छी है? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन ए बिलीव इन गॉड, क्योंकि यह भगवान में विश्वास रखने वाली सभ्यता है, भगवान में आस्था रखने वाली सभ्यता है। इसलिए हमारी सभ्यता जो है वह पश्चिमी देश की सभ्यता से क्या है? बेहतर है। कहते हैं इट डज नॉट प्रेफर मेटेरियलिज्म। भारतीय सभ्यता जो है वह कभी भौतिकवाद को बढ़ावा नहीं देता, कभी धन दौलत शो ऑफ के पीछे ज्यादा नहीं जाता। ये सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग में विचार करने वाली सभ्यता है। इसलिए हम लोगों को एकदम समझ लेना है कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है वह क्या है? बेजोर है। आगे देखिए क्या कहता है। कहता अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड, दिमाग एक चंचल पक्षी है। और दिमाग एक चंचल पक्षी यानी माइंड की तुलना गांधी जी ने किससे किया? रेस्टलेस वर्ड से किया। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा? बिकॉज इट इज नेवर सेटिस्फाइड। और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि माइंड को कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, दिमाग को कभी संतुष्ट नहीं किया जाता है। ये जितना पाता है उतना ही पाने की लालसा रखता है। आगे कहते हैं हैप्पीनेस इज लार्जली ए मेंटल कंडीशन। कहते हैं कि खुशी जो है वह एक दिमागी स्थिति है। हर कोई खुश नहीं रख सकता। एक अमीर आदमी भी नाखुश होता है और गरीब आदमी भी खुश होता है। तो खुश रहने के लिए सिर्फ एक मानसिक स्थिति का होना, मनोबल का होना जरूरी है। इट डज नॉट नीड वेल्थ लग्जरीज। कहते हैं इट डज नॉट नीड वेल्थ एंड लग्जरीज। गांधी जी कहते हैं कि इसके लिए जो है वह धन दौलत की जरूरत नहीं होती है, शान शौकत की जरूरत नहीं होती। किसके लिए? खुश रहने के लिए। एक गरीब आदमी भी खुश रह सकता है। तो खुश रहने के लिए धन दौलत शान शौकत की आवश्यकता नहीं होती है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग शुड बी आवर मोटो। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग शुड बी आवर मोटो मीन्स सादा जीवन और उच्च विचार हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हमारी सभ्यता का भी साउंड फाउंडेशन यही है, सादा जीवन उच्च विचार, और इसी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं? चलने का काम। लास्टली गांधी जी क्या कहते हैं? लास्टली गांधी जी वॉन्ट्स टू से, अंत में गांधी जी ये कहना चाहते हैं कि क्या कहना चाहते हैं? इंडियन सिविलाइजेशन इज इनक्रेडिबल। भारतीय सभ्यता जो है वह बेजोड़ है, दुनिया की कोई भी सभ्यता भारत के जैसी नहीं है। इट प्रमोट्स कंटेंटमेंट हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस। यानी भारतीय सभ्यता जो है वह लोगों के अंदर कंटेंटमेंट यानी संतोष का भाव उत्पन्न करती है, संतोषम परम सुखम का ज्ञान देती है, लोगों के अंदर जो है वह खुशी भरने का काम करती है, और लोगों के अंदर एक ऐसी क्षमता प्रदान करती है जिस क्षमता के अनुसार लोग सेवा के लिए क्या होते हैं? तत्पर होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि बहुत ही आसान शब्दों में आपने इसको समझ लिया होगा। मैं जल्द ही दूसरे चैप्टर का भी समरी लेकर आऊँगा। आप जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।